हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज के इस वीडियो में हम बनाने वाले हैं वॉलनट बटर शेक, जो कि वेट गेन के लिए अच्छा है। सेकंड जो ड्रिंक है वो है करेले एंड बीटरूट का जूस, जो कि वेट लूज के लिए अच्छा है। ये डायबिटिक के लिए भी अच्छा है, तो वो भी ले सकते हैं इसे। तो फर्स्ट हम तैयार करते हैं वेट गेन ड्रिंक, जो कि वॉलनट शेक था हमारा। सबसे फर्स्ट आपको क्या करना है, नॉर्मली अगर हैंड बीटर है या फिर मिक्सी है नॉर्मल, आप वो भी यूज़ कर सकते हैं। मेरे पास जैसे ये जूसर है तो मैं इस पर बनाऊँगी। आपको 1 टीस्पून चॉप्ड वॉलनट चाहिए, 1 टीस्पून मैंने शुगर ली है यानी कि चीनी, आप इसकी जगह गुड़ का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। यह है पीनट बटर, अगर आपके पास पीनट बटर नहीं है तो आप क्या कर सकते हैं, पीनट एंड बटर को रोस्ट करके भी यूज़ कर सकते हैं। ये हमने 2 कप्स मिल्क लिया है यानी 250 ml के अराउंड, और उसके बाद अच्छे से इसको आप मिक्सी कर दीजिए जब तक ये बिल्कुल स्मूद ना हो जाए। और ये वेट गेन के लिए बहुत अच्छे ड्रिंक है फ्रेंड्स, जिसे आप पीनट बटर शेक भी कह सकते हैं। हम वॉलनट डाल रहे हैं, आप आमंड और भी ड्राई फ्रूट्स ऐड कर सकते हैं। सो ये बहुत ही फ़ायदेमंद है। आई होप आपको ये वीडियो बहुत पसंद आई होगी। अगर जिसको भी आप देख रहे हैं कि वेट गेन करना है तो वो ये ले सकते हैं। इवन आप इसमें बनाना वगैरह भी यूज़ कर सकते हैं। अगर आपके पास कुछ ऐसे आइडियाज़ हैं जो आपको लग रहा है कि इस ड्रिंक के साथ हम और भी ऐड कर सकते हैं, सो प्लीज़ मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। इंशाल्लाह मैं ऐसी और वीडियोस अपलोड करूँगी ताकि जो आपके आइडियाज़ हैं वो हम लोगों तक पहुँचा दें। अब हम दूसरी ड्रिंक जो बनाने वाले हैं वो वेट लॉस के लिए है, जो कि करेले एंड बीटरूट का जूस है। फर्स्ट आपको क्या करना है, बहुत सारी वेजीज चाहिए। मैंने यहाँ करेला लिया है, हाफ करेला लिया है। जैसे कि मैंने आपको बताया ये डायबिटिक के लिए भी अच्छा है क्योंकि हम करेला यूज़ करें। यहाँ मैंने गाजर लिया है, लाल गाजर हो तो बेटर है। यहाँ हमने खीरा लिया है जिसे क्यूकुम्बर कहते हैं। ये बहुत डिज़ायरेबल अमाउंट्स हैं, इसके कुछ भी नहीं, आप जितना ऐड करना चाहते हैं, जिसका प्रोपोर्शन आपको जितना रखना है। टमाटर डाला, बीटरूट यानी कि चुकंदर डाला, यहाँ हमने थोड़ा सा अदरक डाला है, और उसके बाद हम डालेंगे आंवला। आंवला 1 पीस मैंने पूरा लिया है। थोड़ा सा मिंट लीव यानी पुदीना के पत्ते डाले हमने 5 से 6। हम यहाँ पालक के 3 से 4 पत्ते डाले। यहाँ मैंने सॉल्ट यानी कि नमक, आप काला नमक यूज़ करेंगे तो बेटर है। उसके बाद मैं यूज़ कर रही हूँ विनेगर, क्योंकि मेरे पास अभी लेमन नहीं है तो मैं लेमन नहीं यूज़ कर रही हूँ। वैसे आप लेमन भी यूज़ कर सकते हैं, जो कि बहुत अच्छा इसको टेस्ट देगा। बस बंद कर लीजिए और अच्छे से इसको ब्लेंड कर दीजिए जब तक ये बिल्कुल स्मूथ एक ड्रिंक पे ना बन जाए। और याद रहे कि अगर आपको उसके अच्छे रिजल्ट्स देख रहे हैं तो आपको उसको छानना नहीं है। बिना छाने जितना भी इसका वेजिटेबल्स का रेसिड्यू है इसके अंदर, उसको बहुत फ़ायदेमंद है। सो उसे पूरा आपको इस तरीके से लेना है। आप इसमें इवन भुना हुआ जीरा भी ऊपर से डाल सकते हैं। सो और भी वेजिटेबल्स अगर आपके पास लग रहा है कि और भी हम डाल सकते हैं, तो प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताएं। आई होप आज की ये बहुत ही फ़ायदेमंद वीडियो आपको पसंद आई होगी। सो प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू शेयर एंड लाइक, और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूले। अगर जिन्होंने मेरा चैनल अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब इट। ओके, तब तक के लिए बाय बाय।